सो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यार मैं ये क्या इंट्रो कर रही हूँ आज. सो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू दीन अप. और मुझे सच में पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा, मैं क्या बताऊँ, मतलब मैंने रियलाइज़ किया कि आज मैंने व्लॉग ही नहीं किया. और मैंने तीन चार चीज़ें कर लिया, मेरे को मतलब बिल्कुल दिमाग में नहीं आया कि मेरे को व्लॉग भी करना है. क्योंकि पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मुझे आज यहाँ जाना है, यहाँ से वो फाइनलाइज हो गया, वहाँ से वो काम करना है, उसके बाद वहाँ पर वो दे के आना है, अभी वीडियोज़ बनानी है. मेरे दिमाग में यही चल रहा है अभी कि क्या क्या करना है, दिमाग ऐसे हो रहा है. और थोड़ा व्लॉग देखते देखते मेकअप कर रही थी, उन्होंने यार मैंने तो व्लॉग ही नहीं बनाया आज. हरी है फ़ोन पर बात, इसलिए थोड़ी आवाज़ आ रही है. तो अभी फिलहाल दीपक आएगा. दीपक ने एक्सपोर्ट करके नहाने गया था. उसने जब जैसे ही वो बाहर आया, मैंने कॉल किया था, मेरी कॉल की वजह से उसकी एक्सपोर्टिंग हट गई. पता नहीं क्या हुआ आज उसके फ़ोन में. और वो दोबारा एक्सपोर्ट करके आएगा, फिर रास्ते में से मैं कोई पनीर वनीर लेके आएगा तो पेटीएम करेगा. इसलिए बोला मैं पहले एक्सपोर्ट करूँगा ताकि मैं मेरे फ़ोन से पेटीएम कर पाऊँ उनको. तब तक मेरे को वो भी मिल जाएगा कि हाँ मैं तब तक ब्लॉग शूट भी करूँगी. तो आते बोलेगा तुमने शूट नहीं किया, नहीं किया, वो नहीं किया था एक्सपोर्टिंग में, तो आधे घंटा और 45 मिनट्स कुछ करीबन लगता है. तो मुझे बस ये है कि वो आ नहीं जाए. वैसे उसका फ़ोन आएगा. तो जब से पिंपल गए ना, तब से मेरे हाथों और पैरों की हालत बहुत ख़राब हो रही है सच में यार. और फिर भी अभी थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन जैसे मैं उठी थी ना तब उस टाइम पे पिंक पॉल ही बोला, लेकिन पिंपल चले गए तो पिंक पॉल. बस मेरी हड्डी फील हो रही है, मेरे को पेन हो रहा है ऊपर से हाथ करते हुए. और अभी मैं बनाऊंगी वीडियोस, इतनी धूप में मजा आएगा पसीनों में. मेरे को जोर, मतलब मेरे को अच्छा लगता है काम करना, बट यार जब हालत खराब हो जाती है यार, बहुत हालत खराब होती है यार, बहुत ज्यादा. पर कोई नहीं, चलता है. अभी फिलहाल मुझे सिर्फ एक ही पता है कि मुझे इसका शूट करना है, सिर्फ एक ही ड्रेस का पता है और बाकी कोई ड्रेसेस का नहीं पता कि क्या शूट करूंगी. बस फ्लो के साथ चलती जाऊंगी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता. डोंट हैव एनी आइडिया कि क्या होगा, बट ठीक है जो भी होगा सही होगा. देखते हैं यार कौन सी क्या ड्रेस निकालूंगी. ड्रेसेस खत्म हो गई है, लिटरली ड्रेसेस खत्म हो गई है मेरी. यार गुस्सा सा आ रहा है, मेरा हर जगह दर्द हो रहा है यार. बात बात करती हूँ. करेले की सब्जी बना के बोलती है, तुम में से कोई खाया, कैसी लगी? बहुत गंदी मम्मी, हमने देख के मना कर दिया, रिजेक्टेड. आपको वीडियो में और आप मोटे आ रहे थे, बहुत बहुत मोटी मेरी मम्मी. ऐसे क्यों ली, क्या होता है ऐसे, क्या इंसान बैठते नहीं है क्या यार. मम्मी बोलती है यार, क्या मम्मी यार. नहीं काटूंगी, बोलती काट देना, ऐसे ठीक है अब. तो फिलहाल मैंने एक शर्ट निकाली है, मतलब दीपो इतना अच्छा है यार. मम्मी पता है क्या बोलते हैं ना, मैं फैशन कंटेंट बनाती हूँ और ये तो मैंने बोला था यार, मेरे कपड़े कम पड़ने लग गए. तो उसके जो जो चीज़ें मतलब छोटी हो गई, मतलब क्या होता है, कॉटन और रेयन एक ऐसी चीज़ है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो कब कितना श्रिंक हो जाए. तो जब श्रिंक हो गई तो मैं वो संभाल के रखता है हर चीज़ों की. उसको ही मैंने बर्थडे पर गिफ्ट की थी, 2 साल पहले गिफ्ट की थी. उसने बोला कोई बात नहीं, मैं मतलब मेरे बिना बोले ही ले आया कि ऊपर ये शर्ट तुम्हें अच्छी लगेगी, इसके बना लेना. और 2-3 शर्ट्स है जो वो लेके आया, बोले ये बहुत प्यारी शर्ट है. उसको मतलब बिल्कुल ऐसे प्रेस करके और कितना अच्छा रखा था इसने, बहुत ध्यान से रखता है चीज़ें एक बात. तो फिलहाल मैं बनाऊंगी ये वाला शर्ट का. मैं सोच रही हूँ कि ना 2 पॉप कलर्स का बनाऊँ, बट पॉप कलर्स मेरे पास है नहीं. मैं लेके आऊँगी आज कुछ ना कुछ पॉप कलर्स का ना चीज़ें लेके आऊँगी. यार कपड़े नहीं यार, कपड़े अब लेके आने हैं मेरे को. अच्छी लग रहा है ना दीपक की है यार. गाइस दीपक की, ये सब दीपक का है. थोड़ा जोर से बोला करो यार, दीपक ये सब दीपक का है. यही पहन चलते यार, गर्मी लग रही है. ओह ओके, माय गॉड, चौगी अच्छा लग रहा है. मोटे तेरे सच में अच्छा लग रहा है दीपक. ये क्या है, यही पहन रही हूँ मैं. पागल होगी, ये जूते पहनोगी? ये वो नाइकी की चप्पल पहन ली थी, फ्लिप फ्लॉप. मेकअप तो उतारूंगी, गर्मी है. नहीं मेकअप उतारूंगी, गर्मी लगती है मेरे को. मेकअप मेरे को वैसे यार सच में आता है, मेकअप पसंद नहीं आता. क्या है कि व्हाट इज दिस, मेरा बैग वगैरह तो दे दो. अजीब मूड इंसान है यार. जाओ ना यार, चेंज करियो यार, ऊपर जल्दी. अरे चेंज क्यों करियो, चेंज मतलब ये जूते पहने हो, मेकअप उतारी हो. नॉनसेंस, जस्ट कीप योर माउथ शट. खुद लेट कर रहा, वो कुछ नहीं मेरा ही दिखता है हर चीज. मेरे हाथ में हेलमेट है, मेरे हाथ में 2-2 चीजें हैं, ये मैं पकड़ लेती ना तो बना ना तो. तो अभी हम जा रहे हैं बाहर काम से, लड़ते लड़ते और 1 घंटे से लड़ ही रहे. 3 बजे जाना था, 5:30 बज गए इसकी वजह से. मेरी वजह से तो मैं कंटेंट शूट करी थी, आधा घंटा तुम्हारे 5 बजे चल जाते थे. पाउडर तो जो मुंह पे लगा के आई थी तो. अरे यार दीपक गर्मी लगती है, इसलिए पाउडर लगा था, पसीने आते हैं. पाउडर लगाने से पसीने नहीं आते. और सब जगह पाउडर. अब कोई बात नहीं, मैं तो ऐसी गंदी सी लगती हूँ, क्या करूँ. अरे ड्रॉम, ये कॉलेज चिपका गया.
तो मजा आ गया। अच्छा मैं आगे लगा दी, नहीं तो ऐसे पहुंचो मैं नहीं बैठूंगी पीछे। यार कौन है यार दीपक, ये सीरियसली कोई ऊपर से थूक रहा था क्या? और ऊपर तो हमारे ही रहते किराएदार, कोई बच्चा आगे लगा गया होगा है ना, राइट? तो यहाँ पे रख के क्यों गया? चुपचाप लगा के जाता ना, रख के क्यों गया? ऊपर रख के चला गया यार। पता नहीं चाबी पे मुझे लानी है क्या यार, मैं अंदर उसको फोन कर देता। यार दीपक यार मेरे को पहले गर्मी लग रही है। सो गाइस दो कामों से फाइनली फ्री हो चुके हैं और अभी फाइनल हम आए तीसरे काम पर। और नूपुर का मुंह देखो कैसे उतर गया। अभी हम आए माँ के काम से, वो काम कर लेते हैं। एक काम फिर भी आज पेंडिंग रह ही गया हमारा, हम करना चाहते थे बट नहीं हो पाया यार। कोई नहीं, कल करेंगे, वो कल सुबह जल्दी जा करके करेंगे। मुझे कुछ ठंडा खाना है और कुछ चटपटा खाना है। घर चल के छाछ पी लेंगे और चटपटी कोई सब्जी बनवा लेंगे। सब्जी रोटी नहीं खाई, मैं चटपटा खाया। तो फिलहाल हम बैठे और कुछ काम कर रहे हैं। दीपक व्हाट यू आर डूइंग? सीन चेक कर रहा हूं। दीपक ये बस यही देखता रहता है, लेता है नहीं पर कुछ भी। ऐसा ही है, आखिरी काम से भी फ्री हो गए, अब निकल रहे। सामान वामान पड़ा है हमारा, डिग्गी में डालना है और पहले से ही पड़ा है कुछ। एडिट काट देना ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको हम बाद में बताएंगे, क्योंकि फिर रिवील हो जाएगा कि यार हम क्या कर रहे हैं। तो अभी नहीं गाइस, जब तक कुछ काम नहीं होता तब तक नहीं बताना चाहिए। ऐसा बड़े लोग कहते हैं कि फिर वो काम होता नहीं है, तो हम नहीं चाहते कि वो काम नहीं हो, कभी नहीं हो। तो हुआ मतलब कभी ऐसा नहीं हो। कहना ही चाहती हूँ कि इस डिग्गी में ये नहीं आएगा। आगा पक रख रहा है, अब देखते हैं आएगा नहीं आएगा। रखो चलो, ये क्या 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 है यार दी भाई, ये क्या है? अच्छा वो तो डिकैथलॉन का टैग है। कीप गोइंग गर्ल, यू आर अ गुड गर्ल, गुड गर्ल यू आर। अब ये किस में रखोगे? गिव मी अ सेकंड लुक। और ये कहाँ रखा जाएगा जो मैं नहीं दिखा सकती? ये यहाँ, क्या बात है यार, देखो देखो। चलो तुम भी पैक हो जाओ डिग्गी। लग गई चोट, आ गई। अब तुम रास्ता तो नहीं भटका दोगे? ये चुप रहा करो ना यार, प्लीज यार, कॉमन सेंस की तो बात किया करो कम से कम। अब जिसमें कॉमन सेंस नहीं हो उसको कॉमन सेंस की बातें कैसे करनी आएगी? अब ये बिन कॉमन सेंस वाले कैसे जाने, कॉमन सेंस ही नहीं है। ये बेचारी एक गाड़ी है जिसको हम कार बना देते हैं इतने सामान रख रख के वास्तव में। बेचारी मेरी गाली नहीं, बड़ी गाड़ी बोल रही हूँ। गाइस इसमें देखो है तो दीपक की, लेकिन इसमें एक चीज लिखी हुई है विच इज सीक्रेट, नहीं सीक्रेट बता ही नहीं सकती। कुछ चटपटा खाते हैं आपके साथ, चलो हमारी फैमिली को कुछ चटपटा खाना है। पकौड़े बना बना के मोटे हो जाओ, मारोगे क्या? तुम तो चाहते ही हो मैं मर जाऊँ। तो यही चाहता हूँ, तमन्ना ही रही है। तमन्ना तो घर पे है, मजाक कर लेते तो कभी लीम वाले, कोई बात नहीं। तो अभी मैं खा रही हूँ टिक्किया और दीपक अपने लिए करवा रहा है सूजी की दही पताशी। देखो ये टिक रहा है और ये बड़ी टेस्टी लग रही है, बाकी देखते जैसी। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्स्टिपेशन इसने पूरा कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा मेरे ऊपर। आवाज धीरे कर दूंगी ना, चिल्लाएगा देखना। अब दे रही हूँ, अब दे रही हूँ, रुक जा पहले बोल सॉरी दीदी। अभी तो सब बोल देगा। तो फैमिली आज भी बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। मतलब मेहनत रंग ला रही है और मतलब अच्छी हो रही, खुशी हो रही है दिल से। बस ऐसे काम करती रहूं, ऐसे डेली दीपक और मम्मी की डांट सुनती रहूं ताकि मैं मोटिवेट हूं काम करने के लिए। अब चुप हो जाओ यार, दो मिनट गाइस। तो फैमिली बस यही था इस ब्लॉग के अंदर, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। और अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। देखना पसंद करते हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार। तब तक क्लिश।